फ्रेंड्स, अगर आप भी इरतुल गाजी के बहुत बड़े फैन हैं और आप उस सीरीज को अभी तक देख रहे हैं, पूरा पूरा देख रहे हैं, तो मुझे भरोसा है कि आप एक किरदार या एक एक्टर को आपने देखा होगा और आप उसके बारे में जानना चाहते होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं उस इंसान की बात कर रहा हूँ जो कि हलब का राजा था। ऐसा क्या है कि इतिहास में इनको इतना ऊंचा मकाम दिया जाता है और हमेशा इनकी इरतुल गाजी से दुश्मनी या फिर अनबन रहती है। अगर आप भी इरतुल गाजी के एक बहुत बड़े फैन हो और आप रोज इरतुल गाजी का एक एपिसोड देखते हो, और अभी तो इन एपिसोड में तो उस जो जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उस चीज की बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है और उसमें हर एपिसोड में वो दिखाई दे रहा है, तो फ्रेंड जी हाँ, मैं आपको उस इंसान के बारे में बताने वाला हूँ जो कि हलब का राजा था। फ्रेंड्स, हर कोई ये जानना चाहता है कि अल अजीज का इतिहास में क्या मकाम था और हमेशा उनकी इरतुल गाजी से अनबन या फिर लड़ाई झगड़ा क्यों रहता था, और आखिर ऐसा क्या था कि अल अजीज हमेशा इरतुल गाजी के बारे में गलत सोचते थे। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले और हमारी वीडियोस को आप सबसे पहले देखें। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए हलब के राजा अल अजीज के पूरे नाम की, तो उनका पूरा नाम अल अजीज मोहम्मद इब्ने गाजी था। आपको एक चीज और बता दूं, इनका ताल्लुक अय्यूबियों के खानदान से था और इनका पूरा खानदान हलब में रहने वाला था। एक बात जानकर आपको बहुत हैरानी होगी, ये जब अल अजीज के जब वालिद थे, जो उनका इंतकाल जब हुआ जब ये अल अजीज 3 साल के थे, जबी से उन्हें अल अजीज को 3 साल के थे जबी से उन्हें हुकूमत को संभालना पड़ा, क्योंकि वो 3 साल के थे इसलिए उनकी हुकूमत को संभालने के लिए उनके चचा जान हजरत शाहबुद्दीन ने ले रखी थी हुकूमत की जिम्मेदारी। अल अजीज के हजरत शाहबुद्दीन से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन थोड़े दिनों बाद जब हलीमा सुल्तान आई और इरतुल गाजी उनकी जिंदगी में आए, जब उनके थोड़े दिन पहले ही उन्होंने शाहबुद्दीन का साथ छोड़ दिया था, तो आप जब भी एपिसोड्स देखते होंगे इरतुल गाजी के, तो आपके दिल में ये सवाल तो जरूर उठता होगा कि हमेशा अल अजीज इरतुल गाजी के अपोजिट में क्यों रहते थे, हमेशा इरतुल गाजी जो करते थे उसका अपोजिट ही अल अजीज करते थे, ऐसा क्यों? आपने कभी ना कभी तो ऐसा सोचा होगा कि हर एपिसोड में अल अजीज इरतुल गाजी से चिढ़ते हुए दिखाई देते थे या फिर उनको यानी कि उनके खिलाफ ही होते थे हमेशा वो, तो ऐसा क्यों है? आप ये हमेशा सोचते होंगे। इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि अल अजीज की उम्र बहुत कम थी इरतुल गाजी से, इरतुल गाजी जितने समझदार भी अल अजीज नहीं थे। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि उनमें इतनी समझदारी नहीं थी कि वो इरतुल गाजी को समझ सके और इरतुल गाजी के बराबर आकर खड़े हो सके। सलेबियों ने हलब पर कदम रखा और अल अजीज से मिले, मतलब बहरूपी मिलकर बनकर मिले, लेकिन जब वो अल अजीज से मिले तो उन्होंने शाहबुद्दीन के खिलाफ एक केस, मतलब उनके उनके विरोध में उनको हलब से बाहर निकला दिया एक कत्ल के आरोप में। फ्रेंड्स, जब से अल अजीज ने शाहबुद्दीन को बाहर निकाल दिया हलब से, और अब सलेबिया अल अजीज से जो काम कराना चाहते थे वो कराते थे, और सलेबियों ने ही इरतुल गाजी के खिलाफ अल अजीज को भड़काया कि इरतुल गाजी गलत काम है, और अल अजीज को ये बताते थे कि इरतुल गाजी सलेबियों की तरफ है, इसलिए अल अजीज उनसे हमेशा अपोजिट में रहता था और उनसे चिढ़ा हुआ रहता था। अगर आप अभी आने वाले एपिसोड अगर आप देखोगे, उसमें अल अजीज समझदार हो चुके हैं और जब वो सलेबियों के सिपाहियों के साथ जा रहे थे हलीमा सुल्तान के साथ, तो वहीं पर इरतुल गाजी भी आ चुके थे और वहां पर उन सलेबियों के साथ इरतुल गाजी ने लड़ाई करी और इरतुल गाजी ने अल अजीज को सारी सच्चाई बता दी। अल अजीज समझदार हो चुके थे इसलिए इरतुल गाजी को उन्होंने अच्छे से समझ लिया और इरतुल गाजी को उन्होंने गले से लगा लिया, और उसके बाद उन्होंने कभी भी उनके अपोजिट काम नहीं किया, इरतुल गाजी के अपोजिट कभी भी अल अजीज ने काम नहीं किया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपने हमारी वीडियो पूरी अच्छे से देखी तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि